अस्सलाम वालेकुम, हाजिर आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल एडसेंस के बारे में बताऊंगा कि अगर आपका चैनल हाल ही मोनेटाइज हुआ है और आपने गूगल एडसेंस बनाकर उसको लिंक कर दिया है, तो आपने तीन स्टेप जब आप उसके फुल करेंगे, जब वो तीन स्टेप आप पार करेंगे तब आपको पेमेंट रिसीव होगी। वो तीन स्टेप क्या है? पहला स्टेप जो है तो आपने अपना आईडी वेरिफिकेशन करवाना होता है, दूसरा स्टेप जो है टेक्स्ट यूएसएम फॉर्म फिल करना होता है, और तीसरा आखिर में जो है जब आपके अकाउंट $10 इन हो जाएंगे तब आपको जो है गूगल पिन के लिए अप्लाई करना होता है, जो आपके एड्रेस पर एक लिफाफा भेजेंगे और उसमें आपका पिन होगा और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। वो तो आपने नहीं दिया। दूसरा नंबर जो है ड्यू से टैक्स फॉर्म, उसको फिल कैसे करना है, उसी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको फिल कैसे करना होता है। बाज़ अवकात ये होता है कि आप ये अप्रूव नहीं होता है और ये रिजेक्ट हो जाता है, तो उसकी मेन रीज़न सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपने अपना नाम जो है जो NIC है उसी के ऊपर देख कर आपने इसको लिखना होता है। उर्दू में तो उर्दू में लिखे, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखे। तो आपने टैक्स फॉर्म जो है इंग्लिश में फिल करना होता है। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो आपको एक मेल आएगी, उस मेल में एक लिंक होगी, आपने उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसमें एक छोटी सी विंडो ओपन होगी और उसमें अपना नाम इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखेंगे तो आपका जो है यूज टैक्स फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपने इसी को फॉलो करके अपना यूज टैक्स फॉर्म फिल करेंगे और आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर।